नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और अभी पटना का मैं समझिए कि शिक्षा जगत में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो है कि कंकड़ बाग और बोर्डिंग बोर्ड में बहुत ही अच्छा बच्चों के बीच में शिक्षा दिया जा रहा है, जहाँ जेईई मेंस नीट की तैयारी होती है। इसी बीच हम बात करेंगे फिजिक्स के मसीहा कहा जाता है एलबी मिश्रा सर से बात करेंगे, जो सिवाय एकेडमी के डायरेक्टर सर है। इनसे बात कर रहे हैं कि सर कल नीट का एग्जाम हुआ और नीट के एग्जाम में तो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि जो भी बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एटलीस्ट जेईई मेन के लेवल पे जो है उसको प्रिपेयर करें, ताकि मतलब होता क्या है कि टोटल 45 क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं, 45 एंड 45, और उसमें 10-15 क्वेश्चन जो है जेईई मेन लेवल पर रहते हैं। तो अगर जेईई मेन लेवल टाइप का प्रिपरेशन अगर रहता है बच्चों का, ओवरऑल उनका टोटल स्कोर जो है काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ तक रही बायो की बात, तो बायो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ठीक ठाक करते हैं। जो भी सिलेक्शन का जो मेन अगर देखा जाए क्राइटेरिया, तो मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पर होता है। तो जो भी बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा कर लेगा, उसका स्कोर एंड शॉर्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर, यहाँ बात आती है कि सर सिवाय एकेडमी से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग अभी कोविड-19 के बाद बहुत बच्चे सर क्लासेस आ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, सर कौन सा बेटर सिस्टम है सर? हाँ सर, एक्चुअली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये कंपेयर करना कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। जहाँ ऑफलाइन में बच्चों को एक अच्छा फिजिकल टच मिलता है, टीचर से डायरेक्टली फिजिकली जो है चीज़ों को पूछ लेता है, ऑनलाइन में भी फायदा है कि बच्चा घर पर बैठे हुए आराम से लेक्चर्स को जो है लेक्चर अटेंड कर सकता है। अगर इनकेस तबीयत खराब भी है तब भी ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सकता है। बाकी जो रिकॉर्डिंग मिलती है बच्चों को, उससे वो बार बार रिपीट कर सकता है, रिवीजन का जो है वो भी अच्छा एक माध्यम है। तो दोनों का एक कहें तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों साथ चले, हाइब्रिड कोर्स चले, तो अभी के सिनेरियो में सबसे बेस्ट होगा वो। ओके, और सर बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर, कि कोविड के बाद बच्चे लोग कोचिंग्स में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो बच्चे लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अभी तो मेरे साइड से यही संदेश रहेगा कि कोविड जो है लगभग चीजें बीत चुकी हैं, एक मतलब प्रिकॉशन के साथ अब पढ़ाई या जिंदगी जो भी लाइफ है स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करने से टाइम तो वेट नहीं कर रहा है, टाइम तो निकलते जा रहा है, अगले साल फिर से एग्जाम्स होंगे। तो बेटर ये है कि अब जो है मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन लेके पढ़ाई स्टार्ट की जाए। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन में आए, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन कहीं भी पढ़ाई स्टार्ट करना जरूरी है। ओके सर, क्या ऑफर अभी आप दे रहे हैं सर अपने इंस्टीट्यूट में सर बच्चों के लिए? अभी हम लोग का जैसे जो स्टार्टिंग के जो बैचेस हैं, अभी तो हम लोग जो है 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कोई बच्चे जो हैं मतलब जो मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं, या जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनका मतलब एग्जाम में बोर्ड में या NTSC वगैरह में अच्छी रैंक आई हुई, अच्छा स्कोर है, तो उनके लिए हम लोग 100% के अलावा भी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप हम लोग पास प्रावधान है, तो उसमें लोग एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सर कहाँ पे आपका दोनों इंस्टीट्यूट लोकेटेड है सर? हमारा सिवाय कभी जो है कंकड़ बाग में केंद्रीय विद्यालय के पास से आते हैं साइड आस्था लोक पथ में, एंड बोरिंग रोड में बोरिंग रोड जो है। बच्चे को 20 के लेवल 20 के लेवल